हमारे खाना खिलाना शो में दो शेफ 10 मिनट में एक डिश बनाएंगे। उन्हें जो सामग्री मिली है उससे कोई अच्छी और स्वादिष्ट डिश बनानी है। जो जीतेगा उसे अच्छे शेफ का खिताब दिया जाएगा। शेफ नाजोंग ने ही लगातार 3 कॉम्पिटिशन जीत कर सबका दिल जीता है। मैं खुद उनके खाने की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। तो देखते हैं आज ये क्या कमाल करती है। घड़ी की टिक टिक जारी है। शेफ ना खाने में स्वाद लाने के लिए उसमें मसाले डाल रही है, लेकिन वो कुछ परेशान लग रही है। गीजर तो वहीं रखा हुआ है। अब टाइम खत्म होने वाला है। इनके पास बस 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5। आपको अपनी डिश खत्म करनी होगी। 4, 3, 2, 1। ही मुश्किल से इसे वक्त पर बना पाए हैं। वाओ, उन्होंने अपनी रेसिपी पूरी कर ली। अब जजेस इन डिशेस को चखेंगे। हाँ बिल्कुल। शेफ ना अपनी जीत की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। क्या वो चौथी बार भी इस जीत को हासिल करेंगी? हाँ, बहुत अजीब है। पिछली बार आपने मुझसे कहा था कि केसर काफी नहीं था। मैंने देखा आपने वो बदल दिया। हाँ, मैं केसर डालना भूल गई थी। क्या? एक्चुअली मैं केसर डालना भूल गई थी, इसीलिए मैंने स्पाइस बदल दिया। आप केसर डालना भूल गई? मैंने सोचा आपने ये जानबूझकर किया था। खैर छोड़ो, चलो घर चलते हैं। मैं बोल रही हूँ, दरवाजा फिर से बंद हो गया है। पासकोड क्या है? ठीक है। ओके। अच्छा, उसने मुझे इसलिए कॉल किया। ओ प्रोफेसर, समझ गया। हाँ तो बताओ, हम कहाँ थे? हम मेरे बर्थडे प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे। अब याद आया। हाँ तो बताओ, तुम्हें क्या बर्थडे प्रेजेंट चाहिए? एक हीरे का हार। हीरों का हार? बस इतना ही? मुझे मेरे पसंदीदा लाल रंग के ब्रांडेड जूते चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो मैं सब दूंगा, जो तुम चाहो। ठीक है। तुम कितने प्यारे हो। ये बहुत लजीज है, बहुत जबरदस्त। हाँ ये अच्छा है, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ? मुझे और चाहिए। बहुत ही अच्छा है, मुझे थोड़ा और खाना। बहुत बढ़िया, वो बहुत बड़े राइस रोल बना रही है। बुजुर्ग के लिए एक रोल ही काफी हो जाएगा, उनका तो पेट ही भर जाएगा। क्या मैं छोटा बना दूं? नहीं नहीं, इनकी साइज ठीक है। ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग बात है। मैं तुम्हारे पति को नहीं समझ पा रही हूँ। वो गरीब घर से आया और तुमसे शादी करके अच्छी जिंदगी जी रहा है। उसे तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। तुमने उसे आगे बढ़ाने में मदद की है। तुमने जीवों को भी बहुत अच्छे से संभाला है। वो मेड स्कूल में आ गई है। हालांकि गीना भी इसी फेज से गुजर रही है। तुम एक सुपर मॉम हो। मैं जितना अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ, उतना ही मेरे पति मुझसे दूर जा रहे हैं। मैंने अपनी शादी को लेकर ऐसा नहीं सोचा था। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास जरूर आएगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें समझेंगे, जिंदगी फिर से शुरू होगी।
सही कह रही हो। हेलो मैम। मैम आपकी दी हुई छुरी बहुत अच्छी चलती है। हाँ, कौन सी छुरी? और तुम कौन हो? मैं तुमने इसे पहचाना नहीं? तुमने इसे पिछले हफ्ते छुरी गिफ्ट की थी ना। तुमने इसे कहा था कि ये कितना अच्छा शेफ है, भूल गई क्या? हाँ आप सभी मजे कीजिए। ओह गॉड, मुझे इसके बारे में याद नहीं आ रहा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे ये बिल्कुल याद नहीं। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं एक बार सीढ़ियों से गिर गई थी, उसके बाद मुझे याद नहीं रहा कि मैं चढ़ रही थी या उतर रही थी। कुछ याद नहीं रहा मुझे। तुम्हें ना भूलने की बीमारी हो गई है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने डॉक्टर को दिखाया? मेनोपॉज का प्रॉब्लम है। क्या कहा? तुम थक जाती हो ना तो भूलना जायज है। तुम बहुत काम करती हो, एक्स्ट्रा विटामिन्स की गोलियां लो। हाँ सही कह रही हो। हाँ ठीक है, तो चलिए हम टेस्ट शुरू करते हैं। मैं जो भी वर्ड्स दोहराऊंगा उसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा, और जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे वो बताइएगा, ठीक है? क्या पीरियड्स के लिए ये नॉर्मल टेस्ट्स हैं? क्योंकि मुझे किसी और क्लिनिक ने भी यही कहा था कि सिंपल से टेस्ट के लिए आ जाना, लेकिन वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। खैर, आपने मुझसे कहा कि आपको थकावट और भूलने के लक्षण नजर आते हैं, तो आप रिलैक्स रहें और जितनी हो सके उतनी कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं वर्ड्स पढ़ता हूँ। मोबाइल फोन, कॉफी, ब्रोकली, बॉल पेन, वॉलेट। क्या आप उन वर्ड्स को रिपीट कर सकती हैं जो मैंने अभी अभी कहे हैं? क्या थे वो? मैं तैयार नहीं थी। पहला डिवाइस का नाम है? मोबाइल फोन। बिल्कुल सही। हाँ। दूसरा? दूसरा क्या था वो? क्या था, याद नहीं। क्या था वो? दरअसल आपको किसी अच्छे डायग्नोसिस से MRI स्कैन कराना चाहिए, तो अगली बार जब आप यहाँ पर आएं तो मैं चाहूंगा आप अपने पति के साथ आएं। MRI स्कैन? मुझे नहीं लगता मुझे इसकी जरूरत है, मैं बस भूल रही हूँ। शायद थकावट ज्यादा होगी। क्या मुझे ब्रेन ट्यूमर है डॉक्टर? अगर ऐसा है तो प्लीज बता दीजिए। देखिए, हम बिना कोई टेस्ट किए कुछ भी कह नहीं सकते, तो पहले कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। अल्जाइमर का लक्षण है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अल्जाइमर बीमारी? मतलब क्या ये वही बीमारी है जो प्रेसिडेंट को हुई थी? ये भूलने की बीमारी नहीं है ना, या मैं गलत कह रही हूं? नहीं, आप सही कह रही हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं सिर्फ 40 साल की हूँ, मुझे भूलने की बीमारी कैसे हो सकती है? कुछ भी, अगर आपको लगता है कि मुझे भूलने की बीमारी है तो मेरी उम्र की सारी औरतों को ये बीमारी होनी चाहिए ना। कुछ भी कह रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपको इसका गहरा सदमा लगा है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है आपको अल्जाइमर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये नामुमकिन है। आप कैसे डॉक्टर हैं? आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मैं जवाब नहीं दे पाई, और आप कह रहे हैं कि मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे देखकर ये बात बोलिए डॉक्टर, मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप अपना जाकर
इलाज करवाइए डॉक्टर। रुकिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए। मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे बस ध्यान केंद्रित करना होगा, मुझे नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी के पास कुछ भी नहीं था, वो गांव में पली बड़ी, पढ़ाई नहीं कर सकी थी और कॉलेज की डिग्री नहीं थी। अगर आर्मी से तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग ना होती तो फिर तुमसे उसकी शादी ना होती। बात तो सही है। तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और वो तुमसे शादी की भीख मांगने लगी। जब भी मैं कुकिंग शो में उसका घमंड देखती हूँ तो उसे मैं सह नहीं पाती। लोगों को हकीकत पता नहीं है, वो सोचते हैं मेरी पत्नी ने सब किया है। सबको लगता है यूनिवर्सिटी की नौकरी मुझे उसकी वजह से मिली। क्या बेहूदगी है। क्या कह रहे हो, तुम्हारी कड़ी मेहनत की वजह से आगे बढ़े हो। अगर उससे शादी ना की होती तो आज कॉलेज के प्रेसिडेंट होते। उसने तुम्हें बेटा भी नहीं दिया और अपने आप पे गर्व कर रही है। अगर वो गर्भपात ना होता तो हमारे पास बेटा होता, वो सब आपकी गलती थी मॉम। उसमें मेरी क्या गलती थी बताओ? उसने बेटा पाने के लिए ठीक से प्रार्थना नहीं की थी। गर्भपात के बाद उसे गर्भाशय निकाल देना पड़ा, इसलिए उसने सारा इल्जाम मेरे सर डाल दिया। तुम्हारी पत्नी को अपनी सास की बातें मानने में तकलीफ कैसे हो सकती है? वो वक्त बुरा था और गर्भपात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया। सच ही तो है मॉम, आप उसे सता रही थी। उसका असर इतना बुरा हुआ कि गिना की देखभाल के लिए हमें मेरी पत्नी की माँ से कहना पड़ा। मुझे तो लगता है बीमारी एक बहाना है। मुझे बताओ, मेरे निकाले जाने के बाद उसने टीवी शेफ बनकर अपना करियर कैसे बना लिया? वो एक मीठी छुरी है और अपनी उंगलियों पे तुम्हें नचाना चाहती है। और अब वो पैसे भी कमाने लगी है, देखना वो सारे पैसे कहीं खर्च ना कर दे। सब कुछ अपने नाम कर लो। तुम नहीं जानते कि आजकल शादी में क्या क्या होता है। और हो सके तो मेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढना। तुम पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती। जल्दी आपका रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगेगा, आप देखना। बहुत जल्दी आपका सपना सच होने वाला है। ये तो बस अभी शुरुआत है, जल्दी ही मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। मैं आपके साथ 10 सालों से काम कर रही हूँ और इतना खुश मैंने आपको कभी नहीं देखा। जब मैंने ये काम पहले शुरू किया था तब मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था। मुझे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये सब करना पड़ा। आपको पता है, आप मेरे लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत करती हैं। हेलो मिस नजोंगी। हेलो, कैसी हैं? मेरे लिए एक पैशन है। आपके लिए खाना कितना मायने रखता है? ये एक परिवार की तरह है। जैसे मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती, तो खाना भी कुछ कुछ मेरे लिए वैसा ही है। दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी शादीशुदा और पारिवारिक जिंदगी बहुत अच्छी होगी। तुम इस वक्त पढ़ाई कैसे कर सकती हो? देख नहीं रही यहाँ सब काम कर रहे? कल मेरा एग्जाम है और मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है। एग्जाम इतना जरूरी नहीं होता, मरीजों के इलाज से तुम काफी कुछ सीख सकती हो। मेरी जगह मरीज एग्जाम देने नहीं जाएंगे, मुझे कैसे भी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तुम्हें न्यूरोलॉजिस्ट बनना है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। पता है, मेरे डैड ने कहा है कि वो तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं इसी हफ्ते। उन्हें हमारे बारे में पता है? मैंने अपने डैड से कह दिया है। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, वो जानते हैं इस बार मैं सीरियस हूं।
ये सुनकर अच्छा लगा। हेलो मॉम, मैं बिजी हूँ। तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए भी खाना भेजा था, क्या तुम्हें वो मिला? मैं उसे बाद में खा लूंगी मॉम। मैंने तुम्हारे लिए श्रिम्प रोल्स भेजे हैं जो तुम्हें पसंद है। मॉम, मैं बिजी हूँ, मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। जाओ जाओ। तुम कब तक अपना डेरा यहाँ जमाए रखोगी? मुझे यहाँ सोने की इजाजत मिली है, मैनेजर को कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदारों का क्या? तुम एक महीने से यहाँ पर रह रही हो। उन्हें मुझसे छुटकारा मिला होगा, मैं उन्हें परेशान जो नहीं कर रही। ये लो। थैंक यू। किसका फोन था? स्पैम था। ये लड़की भी ना, कभी अपना फोन उठा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। हद है। कॉल नहीं कर सकती थी। मैं अब मरने वाली हूँ, मेरी जीने की उम्मीद नहीं रही। मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं अकेले मरना नहीं चाहती हूँ, मैं मर गई तो मेरी बॉडी कौन उठाएगा? मैं एक मिनट में मरने वाली हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन सुबह तो आप स्विमिंग करने गई थी ना, आप यहाँ से जाने का क्या लेंगी? अगर आप नहीं गई तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। ठीक है, जाओ, मैं नहीं मरूंगी। तुम एक नागिन हो और अब तुम मेरे लिए पुलिस बुलाओगी? मैं अब तुम्हारे घमंड से तंग आ गई हूँ। लगता है किसी ने सिखाया नहीं कि अपनी सास के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, नागिन कहीं की। मॉम, मॉम रुक जाओ। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इसे पी लो। थैंक यू। ओ मुझे बाथरूम जाना है, रुको, ऑटो साइड, ऑटो, बहुत जोर से आओ। इसे अपनी पीने की आदत छोड़नी चाहिए। ये सब क्या है? हाँ?